एक प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड तरीका जो बहुत कम समय में आपके दिमाग को कॉन्फिडेंट महसूस करना और प्रेशर हैंडल करना सिखाता है। जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। बचपन से ही छोटे स्कॉट अपने दोस्तों के साथ जमकर बैटिंग करते, लेकिन जैसे ही पिता या कोच स्कॉट का गेम देखने आते तो स्कॉट का बल्ला ही नहीं चलता, जैसे प्रेशर में उसके हाथ पैर जम गए हों। बचपन में स्कॉट को लोगों के सामने खेलने में या स्टेज पर जाने में बहुत अटपटा लगता। अपने कोच और मेंटल टफनेस रूटीन की मदद से इन्हीं स्कॉट स्पीजियो ने न केवल प्रेशर से निकलना सीखा, बल्कि 40,000 लोगों की भीड़ के सामने भारी प्रेशर के बीच में अपनी टीम को वर्ल्ड सीरीज का सेमीफाइनल मैच जिताया। अगर मेंटल टफनेस रूटीन स्कॉट स्पीजियो के लिए काम कर सकता है तो हम जरूर इससे काम की बात सीख सकते हैं। स्कॉट स्पीजियो को मेंटल टफनेस रूटीन सिखाया था जेसन सेल्क ने, जो अपनी किताब 10 मिनट्स मेंटल टफनेस में इसको डिटेल में समझाते हैं और रिसर्च से प्रूव करते हैं। रूटीन का पहला स्टेप है 15 सेकंड्स ब्रीदिंग। इंटरव्यू या स्टेज पर जाने से पहले हार्ट रेट का बढ़ना बिल्कुल आम बात है, क्योंकि हमारा शरीर दिमाग तक ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना चाहता है, जिससे दिमाग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। रिसर्च में देखा गया कि 120 का हार्ट रेट दिमाग की परफॉर्मेंस के लिए एकदम ऑप्टिमम है, लेकिन अगर हार्ट रेट 120 से बढ़ जाए तो हमारी ब्रीदिंग रिदम बिगड़ जाती है, जिस कारण दिमाग कंफ्यूज होने लगता है, जैसे हम प्रेशर में आता हुआ जवाब और अपनी ट्रेनिंग भूल जाते हैं। जेसन सेल कहते हैं कि अगर प्रेशर में लोगों से बोला जाए कि गहरी सांस लो तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि कितनी गहरी सांस लेना है। गहरी सांस ली भी तो कोई रिदम नहीं बन पाती, इसलिए रिदम बनाने का सबसे अच्छा तरीका है 15 सेकंड योगिक ब्रीदिंग। जब आप पेट फुलाकर गहरी सांस लेते हो तो पूरे लंग्स खुलते हैं और लंग्स के निचले हिस्से में भी हवा जाती है। लोअर लंग्स में खास प्रकार के सेंसर लगे हैं। ये सेंसर आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स होने का आदेश देते हैं, इसलिए योगिक ब्रीदिंग से आपके दिल और दिमाग दोनों स्थिर होने लगते हैं। इसके लिए आपको 7 सेकंड सांस लेना है, 2 सेकंड रोकना है और 6 सेकंड छोड़ना है। ऐसा आपको 8 बार यानी करीबन 2 मिनट करना है। जेसन सेल कहते हैं कि बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन इस तरह की ब्रीदिंग को इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि हाई प्रेशर सिचुएशन के बारे में सोचते ही ये लोग योगिक या डीप ब्रीदिंग अपने आप करने लगते हैं। दूसरा स्टेप है परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। आपने कुछ बैट्समैन को बैटिंग करते हुए सुना होगा सीधा बॉल। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट वो शब्द है जो आपकी प्रैक्टिस या कॉम्पिटिशन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक को याद रखने में मदद करते हैं। हाई प्रेशर सिचुएशन में 80% थॉट नेगेटिव होते हैं, जो आपको भुला देते हैं कि फोकस कहाँ करना है। जब परफॉर्मेंस स्टेटमेंट को रिपीट करते हो तो आप सही एक्शन स्टेप पर फोकस बनाए रखते हो। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? आप जिसको भी अपना आइडियल मानते हो, जिसकी इज्जत करते हो, इमेजिन करो कि वो आपके कोच हैं। वो इस सिचुएशन के लिए आपको एक लाइन में क्या सलाह देंगे? पहला एग्जाम्पल, मान लो कि आपको बड़े इंटरव्यू में जाना है तो आपके फेवरेट टीचर की आपको क्या सलाह होगी? स्माइल, लिसन एंड बी काम। सुनो, मुस्कुराओ और शांति से जवाब दो। ये स्टेटमेंट आपको ट्रेनिंग और विजुलाइजेशन में कई बार रिपीट करना पड़ता है। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट का दूसरा बेहतरीन एग्जाम्पल हमको स्कॉट की कहानी से मिलता है। स्कॉट स्पीजियो का काम था अपने टीम के लिए आखिर में तबातोड़ बल्लेबाजी करना, लेकिन ताकत से मारने के चक्कर में वे कई बार बॉल को टाइम नहीं कर पाते। जेसन सेल्क ने पूछा कि बैटिंग करने के लिए तुम्हारा सबसे जरूरी काम क्या है? स्कॉट ने बोला, सी द बॉल। जेसन सेल्क ने अगला सवाल पूछा कि टाइमिंग करने के लिए बल्ला कैसे घुमाओगे? स्कॉट ने कुछ देर सोचकर बोला, शॉर्ट एंड ईजी। तो स्कॉट का परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बना, सी द बॉल, शॉर्ट एंड ईजी। स्कॉट कई दिनों तक ट्रेनिंग और मैच में ये परफॉर्मेंस स्टेटमेंट दोहराता रहा, जब तक ये बात ऑटोमेटिक ना हो गई। तीसरा स्टेप है मेंटल मूवी। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट महसूस करता है, लेकिन हाई प्रेशर सिचुएशन बार बार नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, हमको 1000 लोगों के सामने स्पीच देना है तो हम प्रैक्टिस करने के लिए इतने सारे लोग नहीं ला सकते, लेकिन 2005 में हार्वर्ड रिसर्चर्स ने प्रूव किया है दिमाग असली एक्सपीरियंस और विजुलाइजेशन में अंतर नहीं कर पाता।
जेसन कहते हैं कि आप जितने डिटेल में विजुलाइज करेंगे उतना ज्यादा दिमाग को यकीन होगा, उतना आपका फायदा होगा। केवल रिजल्ट पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि प्रोसेस को डिटेल में देखिए। अगर आप एग्जाम हॉल में प्रेशर में आ जाते हैं तो विजुलाइज कीजिए, आप एग्जाम हॉल में गए, घड़ी में 9 बजे हुए हैं, आप डेस्क पर कंफर्टेबल पोस्चर में बैठे हैं, आपने सवाल पढ़ना शुरू कर दिए हैं, एक के बाद एक आंसर्स आते जा रहे हैं। अब आप उस सेक्शन पर हैं जो आपको कठिन लगता है। अपने अच्छे पोस्चर और ब्रीदिंग को विजुलाइज कीजिए, अपने मन में परफॉर्मेंस स्टेटमेंट दोहराइए और देखिए कि आप बड़े आराम से क्वेश्चंस के आंसर देते जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस करने लायक नहीं है वो स्किप करते जा रहे हैं। आप ये भी विजुलाइज कर सकते हो कि एग्जाम हॉल में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने फिर परफॉर्मेंस स्टेटमेंट दोहराया, अब आप अपने काम में लगे हुए हो। इस तरह 2 घंटे के एग्जाम को हम 3 से 8 मिनट में विजुलाइज कर सकते हैं। हम जितना डिटेल में जाएंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो लगेगा ही नहीं कि पहली बार कर रहे हो। दोस्तों, समरी में सबसे पहला स्टेप है 15 सेकंड योगिक ब्रीदिंग 5 से 8 बार। प्रेशर हैंडल करने के लिए हमने सबसे पहले अपनी सांस को एक लय में गहरी किया, जिससे हमारे दिमाग और मन को स्थिर होने का संदेश गया। फिर अपना ध्यान परफॉर्मेंस स्टेटमेंट पर ले आइए। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट आपका ध्यान प्रोसेस के सबसे ज़रूरी कदम पर ले जाता है। जैसे पढ़ते समय आपके लिए सबसे ज़रूरी स्टेप क्या है जिस पर आपकी पूरी परफॉर्मेंस टिकी है? रिलैक्स, रीड एंड फ्लो। ये शब्द आपको याद दिलाते हैं कि गहरी सांस लो, कंधों को ढीला छोड़ो, आराम से पढ़ो और फ्लो में आ जाओ। ये परफॉर्मेंस स्टेटमेंट आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है अगला स्टेप, मेंटल मूवी। जो भी एक्सपीरियंस में आप प्रेशर में आ जाते हो उसकी प्रैक्टिस बार बार अपने विजुलाइजेशन में कीजिए और डिटेल में देखिए कि आप कैसे एक एक कदम सही करते जा रहे हो। आप जितना डिटेल में अनुभव करेंगे उतनी वो प्रैक्टिस आपके लिए असली होती जाएगी। दोस्तों, ये 3 स्टेप रिसर्च पर बेस्ड है। जेसन सेल की किताब अच्छी और प्रैक्टिकल है। प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए तो ये किताब कंपलसरी है। अगर आप स्पीकर या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो भी ये किताब आपको सालों तक काम आएगी, क्योंकि आप इस किताब से बार बार सलाह ले सकते हैं। इस किताब में गोल सेटिंग, सेल्फ इमेज को लेकर काफ़ी अच्छी टिप्स हैं। क्योंकि ये किताब बहुत डिटेल्ड है, ये अन्य किताबों से 4 गुना महंगी भी है, जेसन एक एक स्टेप को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। किताब खरीदने से पहले 2 शर्तें हैं। पहली, किताब हिंदी में नहीं है। अगर आप इंग्लिश में किताब को पचा सकते हैं तो ही खरीदें। दूसरी शर्त, जो प्रैक्टिस बताई गई हैं उनमें से एक एक चुनकर आपको डिटेल में अप्लाई करना होगा। अगर ये दोनों शर्त मंजूर है तो ही ये किताब खरीदें। और ख़ासकर एथलीट हैं तो इस किताब को बार बार पढ़िए, क्योंकि इतनी डिटेल सलाह आपको कोई कोच नहीं दे सकता। डिस्क्रिप्शन में आपको Amazon की एफिलिएट लिंक मिल जाएगी। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और फोकस बनाए रखने के लिए आप इन्हें कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।